हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ बुशरा खान आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स सो so देखते हैं आप लोगों को कितनी फिल इन द ब्लैंक्स के राइट आंसर्स पता हैं सो so शुरू करते हैं बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने मेरी इससे पहले वाली आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो अब आपको क्या करना है ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं इसमें ए एन या दा का यूज करना है अगर जरूरत हो तो सो फर्स्ट इज डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर सेकेंड इज शी रिटर्न आफ्टर डैश आर थर्ड इज डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी फर्स्ट में आएगा द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर गंगा के साथ द यूज किया गया है क्योंकि नेम ऑफ रिवर्स से पहले द का यूज किया जाता है और सेक्रेड से पहले ए आया है क्योंकि सेक्रेड का फर्स्ट वर्ड एक कंसोनेंट है तो उससे पहले ए का यूज किया जाएगा सेकंड में आएगा एन शी रिटर्नड आफ्टर एन आर क्योंकि आर की जो साउंड है वो एक वोवेल की तरह आती है थर्ड में ऑनेस्टी से पहले कुछ नहीं आएगा और बाद में होगा द बेस्ट पॉलिसी मीन्स इसका हुआ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्योंकि ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा फोर्थ इज डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई फिफ्थ इज डैश एंड मानस आर डैश ग्रुप ऑफ आईलैंड इन डैश बे ऑफ बेंगाल सिक्स इज डैश अर्थ मूव अराउंड डैश सन सेवेंथ इज डू यू प्ले डैश हॉकी फोर्थ इज द मून इज शाइनिंग इन द स्काई इनके साथ द यूज हुआ क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है नेक्स्ट द एंडमानस आर अ ग्रुप ऑफ आईलैंड इन द बे ऑफ बेंगाल यहां भी पर्टिकुलर किसी चीज की बात हुई अ ग्रुप ऑफ आईलैंड इसलिए आया क्योंकि ग्रुप का फर्स्ट वर्ड एक कॉन्सोनेंट है नेक्स्ट द अर्थ मूव अराउंड द सन सेम किसी पर्टिकुलर चीज की बात हुई है और द डेफिनेट चीजों के साथ आता है नेक्स्ट सेवेंथ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नेम ऑफ गेम्स से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता सो so, इसका होगा डू यू प्ले हॉकी नेक्स्ट देखिए डैश बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक नाइन्थ इज वाल्मीकि इज डैश रामायण इज अ सेक्रेड बुक टेंथ इज डैश पैसिफिक ओशन इज डैश लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड सो तो एथ में आएगा द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक बाइबल से पहले द यूज हुआ है क्योंकि नेम ऑफ बुक्स से पहले द का यूज होता है नाइन्थ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अगर नेम ऑफ बुक्स से पहले ऑथर का नाम हो तो उसके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता नेक्स्ट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड सेम द का यूज हुआ है क्योंकि द ओशन के नाम से पहले आता है नेक्स्ट इज I have dash pen and dash ink pot. Twelfth, don't trust that fellow. He is dash liar. Next, one evening dash beggar came to my door. Fourteenth, dash tenth chapter of the book is very interesting. Fifteenth is Dash Taj is one of the best building in India. इलेवेंथ इज आई हैव आ पेन एंड एन इंकपॉट पेन का फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज हुआ है और इंकपॉट का फर्स्ट वर्ड वॉवल है इसलिए एन का यूज हुआ है नेक्स्ट डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज अ लायर ए का यूज होगा क्योंकि लायर का फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है थर्टींथ में भी ए ही यूज होगा क्योंकि बैगर का फर्स्ट वर्ड भी कॉन्सोनेंट है इन तीनों सेंटेंस में द नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज की बात नहीं कर रहे फोर्टींथ में आएगा द चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात हो रही है 15th में भी भी द द आएगा दा ताज यहां पर भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है तो दोनों में द का यूज किया जाएगा नेक्स्ट डैश दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सेवेंटींथ डैश इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज एटींथ ब्रूटस इज डैश ऑनरेबल मैन नाइनटींथ डैश समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट सो सिक्सटींथ में यह ऐसे ही रहेगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता सेवेंटींथ में इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले आर्टिकल्स नहीं आएंगे और इंटरनेशनल का फर्स्ट वर्ड वोवेल है इसलिए उसके साथ एन का यूज किया जाएगा नेक्स्ट एटीन एटीन में एन का यूज होगा क्योंकि ऑनरेबल की साउंड वोवेल जैसी आ रही है नाइनटींथ में दस समर आएगा क्योंकि पर्टिकुलरली लास्ट ईयर के समर की बात हो रही है नेक्स्ट डैश वॉटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ ट्वेंटी वन डैश वॉटर ऑफ दिस रिवर इज डोटी नेक्स्ट डैश क्रिकेट इज डैश पॉपुलर गेम ट्वेंटी थ्री डैश यमुना इज अ सेक्रेड रिवर सो ट्वेंटी में ये ऐसे ही रहेगा वॉटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ क्योंकि वॉटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता नेक्स्ट जो है इसमें आएगा द वॉटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी क्योंकि एक पर्टिकुलर रिवर के वॉटर की बात हो रही है नेक्स्ट क्रिकेट से पहले कुछ भी यूज नहीं होगा क्योंकि नेम ऑफ गेम्स से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता सो so, इसका होगा क्रिकेट इज अ पॉप्युलर गेम पॉप्युलर से पहले एक का यूज किया जाएगा क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है नेक्स्ट द यमोना इज अ सेक्रेड रिवर क्योंकि द नेम ऑफ रिवर्स से पहले यूज किया जाता है नेक्स्ट इज देयर इज डैश यूनियन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑल्सो ट्वेंटी फिफ्थ ही इज डैश एल एल बी बट शी इज डैश एम ए ट्वेंटी फोर्थ में आएगा अ यूनियन देर इज अन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट ऑल्सो क्योंकि यूनियन की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट जैसी आती है ट्वेंटी फिफ्थ में आएगा ही इज एन एल एल बी बट शी इज एन एम ए इन दोनों में एन का यूज इसलिए किया जाएगा क्योंकि ऐसा एब्रीवेशन जिसकी साउंड वोवेल जैसी आती है उसके साथ एन का यूज होगा सो so, ये थे आर्टिकल्स से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे ठीक किए होंगे जाने से पहले मुझे अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें